क्या आप लोग चाय लेना पसंद करेंगे? मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। क्या तुम रेहान के लिए ग्रीन टी बना सकती हो प्लीज? बिल्कुल मिस टैमर। कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मैं चाय पीना चाहती हूँ। बेटी क्या हुआ तुम्हें? तुम थके हुए लग रही हो। नहीं मैं ठीक हूँ। अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे लिए लेमन टी लेकर आती हूँ। मेरे की दीदी आप परेशान मत होइए, वो सुबह से पेट में दर्द हो रहा है बस, थोड़ा सा और कुछ नहीं। बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? अच्छा मैं समझ गई, क्या कल की उस डीएनए रिपोर्ट के कारण? मैं रात को सो नहीं पाया था, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ये मेरी वजह से नहीं सो पाए, पर मैं झूठा नाटक नहीं कर सकती। निगार ये काफी स्ट्रॉन्ग टी लग रही है, थोड़ी नॉर्मल वाली बना कर लाओ। रग? क्या रग? हाँ अब रग बेटा, हमें कारपेट की जगह लिविंग रूम में रग का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉम आप ठीक तो है ना, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ मुझे नहीं पता बेटा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस बोले जा रही हूँ। पैंट्री, रग, जार, कोट, यहाँ बैठे बैठे मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही हैं। बेटा आराम करो, चिंता मत करो तुम। मिस मलिक मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, वो मुझसे बहुत नाराज है। तो सब्र रखो बेटा, वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुझे पता है उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, पर मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल समय में मैं उसके साथ रहूं, पर वो मुझे रहने ही नहीं दे रही। काश वो ये सब मेरी आंखों में देख पाती। मुझे पता है तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो कि वो नाराज ना हो, रेहान भी ये जानती है, बस अभी वो बहुत दुखी है। तुम्हें उसे थोड़ा समय देना होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम ही तो कह रहे हो ना कि वो जिस दौर से गुजर रही है वो आसान नहीं है, और साथ में प्रेगनेंसी की बहुत सी प्रॉब्लम है, अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं क्या करती। तो आप कह रही हैं कि समय के साथ सब ठीक होगा? मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो बेटा। रेहान हमारी सोच से ज्यादा बहादुर है, उस लड़की ने उसके सामने दम तोड़ दिया, उसे पता चला कि वो झूठ बोल रही थी, और ये भी कि तुम ये सब जानते थे। उसके मन में बहुत से सवाल है, वो एक लड़ाई लड़ रही है। सब्र रखो एमिर, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी।